अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे सभी व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था कि रहना ना अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अदिति उस गार्ड को एम्बुलेंस में बिठा देती है, पर उसका मन होता है कि वो भी सहा जाए जहाँ पे। किरण तो उसे रोकती है और उसका फ्रेंड भी रोकता है। अदिति अपने फ्रेंड को बोलती है तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है, क्योंकि उसका फ्रेंड बोल रहा था कि हमें इस रफड़े में नहीं फंसना, और वैसे भी ये वही है जिसकी वजह से तुम पुलिस के हाथ लगी थी। अदिति उसे गुस्से से घूरती है, और किरण जब अदिति के दिल में एक अनजान इंसान के लिए इतनी परवाह और इतनी फिक्र देखती है तो वो मन ही मन में परेशान होती है और सोचने लगती है कि ये सब क्या चक्कर है। जहाँ तक मुझे पता है कि उस केस के उस स्टडी केस के मुताबिक तो ये बहुत ही ज़्यादा बेरहम है, किसी के बारे में नहीं सोचती, सेल्फिश, और अब तक इसने बहुत मर्डर भी किया। पर यहाँ तो ये एक अनजान इंसान के लिए इतना परेशान हो रही है, जो एक अनजान इंसान के बारे में इतना सोच सकता है वो कैसे किसी की जान ले सकता है। किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब कहीं ना कहीं उसे लगता है कि उसने जो रिपोर्ट पढ़ी अदिति के खिलाफ वो शायद सारी की सारी गलत ही थी। किरण को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे अपनी आंखों पर विश्वास करना चाहिए या फिर उस फाइल पर, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी। तभी अदिति का फ्रेंड बोलता है कि चलो अब घर में बैठो, हमें लेट हो गया, और फिर ये लोग घर में बैठ जाते हैं। पर अदिति अभी भी बहुत ज़्यादा चिंतित होती है, उसका मन ही नहीं लग रहा था किसी चीज़ में। ये लोग थोड़ी देर में पार्टी में पहुँच जाते हैं, जहाँ अदिति के सारे फ्रेंड्स जो हैं वहीं थे, यानी उसका पूरा का पूरा गैंग आया हुआ था। सब कॉम्रेड्स करते हैं चोरी भी करने के लिए और दूसरी बात जिंदा रहने के लिए भी। सब बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, डांस चल रहा था, मस्ती चल रही थी, हंसी मजाक चल रहे थे, पर अदिति का ध्यान ही किसी चीज़ में नहीं था। किरण अदिति का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहती अरे कम ऑन यार, इतनी सुंदर लग रही हो लेकिन ऐसे रोट रोट चेहरा बनाया हुआ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, चलो थोड़ी सी स्माइली कर दो। अदिति फिर भी कुछ नहीं बोलती। किरण बोलती अरे मुझे अपने दोस्तों से तो मिलवाओ। अदिति बोलती है वो एक दोस्त को जानते हो ना, इतना काफ़ी, किसी और को जाने की जरूरत नहीं है, और दूसरी तरफ जाके बैठ जाते चुपचाप। अदिति समझ जाती है कि किरण को बुरा लग गया, इसीलिए वो फिर कहती अच्छा आई एम सॉरी। पर किरण बोलती इट्स ओके, अभी भी उसी इंसान के बारे में सोच रही हो ना। अदिति बोलती आपको कैसे पता। किरण बोलती बस मुझे पता चल गया। और तभी अदिति का फ्रेंड आता है और कहता है मुझे पता है तुम अभी भी वही सोच रहे हो, इसलिए मैंने पता लगाया वो बिल्कुल ठीक है, अब तो अपना मूड ठीक कर लो। ये सुनते ही अदिति का मूड ठीक हो जाता है और वो अपने फ्रेंड को सीने से लगाती है, कहती ताइन वोट वो ठीक है, मैं बहुत टेंशन हो रही थी। तभी किरण जोर से खांसने लगती है और अदिति एकदम से दूर हो जाती है। उसका फ्रेंड तो खुशी के मारे डांस करने लगता है। अदिति बोलती अब इसे क्या हो गया। किरण बोलती अभी आप खुद बोलती हो क्या, आप इसे कोई हिंट नहीं देती, हक करना ये सब क्या था। अदिति बोलती वो तो मैंने एक्साइटमेंट के मारे कर दिया, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसे लाइक करती हूँ। किरण बोलती उसने तो गलत ले लिया ना, देखो किसे पागलों की तरह बंदरों की तरह चलना स्टार्ट कर दिया। अदिति बोलती कोई ना, मैं उससे खुद ही बाद में बात कर लूँगी। किरण बोलती है अच्छा अब तो मुझे अपने गैंग मेंबर से मिलवा दो या अभी भी नहीं मिलवाओगी। अदिति होती ठीक है मिलवा देती हूँ, पर तुम उनसे सिर्फ अच्छे मेरी फ्रेंड बन के मिलोगी, समझी। किरण बोलती है नहीं कोई भी नहीं मानेगा कि मैं आपकी फ्रेंड हूँ। अदिति बोलती वो क्यों। किरण बोलती अरे मैं इतनी हॉट और इतनी सुंदर हूँ और मैं आपकी फ्रेंड कैसे हो सकती हूँ, कम ऑन, मैंने एक खड़ूस लड़की के साथ कौन ही दोस्ती करेगा। अदिति उसे घूरते हुए एक्सक्यूज मी मुझे खड़ूस बोल रही हो। किरणमती बोल नहीं रही हूँ अब हो ही खड़ूस। अदिति बोलती जाओ अब मैं किसी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगी। किरणमती अच्छा आई एम सॉरी प्लीज़ करवा दो ना। अदिति बोलती ठीक है। तो अदिति कहती है टेंशन प्लीज़। सब अदिति को देखने लगते हैं और अदिति जो है सब गैंग मेंबर्स के साथ किरण को इंट्रोड्यूस करवाती है, पर वो उनको जो है वो एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाती है। किरण खुशी हो जाती है कि चलो उसे सबके बारे में पता तो चल गया। यहाँ अदिति जो है उसके बाद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगती है। किरण बोलती अभी भी सही टाइम नहीं आया। अदिति बोलती है नहीं, और अदिति अपना मोबाइल पॉकेट में डाल देती है और उसके बाद वो किरण को देखती है। किरण जो है वो पार्टी को एंजॉय कर रही थी और साथ में जूस ले रही थी, तब के बाकी सब लोग जो है वो ड्रिंक भी कर रहे थे। अदिति उसे बोलती कमाल अब तुम बच्ची नहीं बड़ी हो गई हो, क्या जूस पी रही हो, मुझे दो चलो ड्रिंक करते हैं। किरण साफ मना कर दिया देख मुझे ड्रिंक नहीं करना। अदिति बोलती क्यों कुछ छुपा रही हो। हाँ किरण बोलती ऐसा कुछ नहीं है। अदिति बोलती ड्रिंक वो लोग नहीं करते जो कुछ छुपाते हो, मतलब कुछ छुपा रही हो मुझसे। किरण बोलती लो मैडम का शक करना फिर से हो गया चालू, ऐसा कुछ नहीं है। अदिति बोलती फिर ड्रिंक करो चलो। अदिति उसे एक गिलास ड्रिंक दे देती है। अदिति कहती है क्या देख रही हो पियो ना। किरण बोलती पहले आप पियो। तो अदिति किरण की ड्रिंक से पीने लगती है फिर उसे देती है। किरण बोलती अब ये झूठी होगी तो मैं नहीं पीऊँगी। अदिति बोलती रुको अभी बताती हूँ। अदिति अपनी गन निकाल रही थी पियोगी या मैं शूट करूँ। किरण बोलती अरे ये क्या तरीका है, अच्छा ठीक है यार पी रही हूँ मैं। तो किरण जो है वो एक सिप लेती है और कहती है ये कितना गंदा है मुझे नहीं पीना। अदिति बोलती क्या सच में कभी ड्रिंक नहीं किया। किरण बोलती तो मैं मजाक कर रही थी मुझे नहीं पीना बहुत गंदा है। तो ऐसे मुंह बनाने लगती है। अदिति हंसते हुए कहती है कि ठीक है चलो मैं पी लेती हूँ। अदिति ने भी
एक सिप पिया ही था कि किरण उसके हाथ से गिलास ले लेती है। अदिति बोलती, अरे ये क्या, मेरे ड्रेस पे भी गिर जाता। किरण बोलती, आप ये नहीं पियोगी। अदिति बोलती, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, तो मुझे पीने दो। फिर किरण सोचती, यार अच्छा अगर ये पी के टल्ली हो जाएगी तो मैं इससे जो भी पूछूंगी मुझे सच सच बता देगी, शायद अपने बॉस के बारे में भी। तो किरण उसे ड्रिंक करने देती है और बिल्कुल भी नहीं रोकती। यहाँ सारे मस्ती करते हैं, अदिति पूरी तरह टर्न हो जाती है और वह डांस फ्लोर पर जाती है जहाँ उसका फ्रेंड जो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता था, जो उसके पीछे पागल था, वो दीदी के पीछे पीछे डांस फ्लोर पे चला जाता है और डांस करते हुए एक साथ बहुत ज़्यादा टची वची हो रहा होता है। अदिति फुल टल्ली थी इसलिए उसे तो होश ही नहीं होता, वो मज़े से डांस कर रही थी। पर किरण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह वो अदिति को टच कर रहा था, उसके बिल्कुल करीब आ रहा था, उसके बालों में हाथ फेर रहा था, कभी उसके नेक में और कभी उसकी कमर में, बिल्कुल उसके साथ चिपक के डांस कर रहा था। ओ माय गॉड, किरण को तो आग लग रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे अदिति के नशे के होने में फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए वो तुरंत वहाँ चाहती और उन दोनों के बीच में आ जाती है। जैसे अदिति किरण को देखती है, ओ माय गॉड, तो देखती रह जाती है। वो नशे में भी अपनी नशीली आंखों के साथ पल का छपकाते हुए उसे बहुत प्यार से देखने लगती है, उसके पाँव में बाहें डाल के डांस करने लगती है। अब किरण का डांस का बिल्कुल मन नहीं था, वो अदिति को बोलती है कि चलो, पर अदिति वो तो डांस करना चाहती थी। वो बोलती, कम ऑन डांस करो ना मेरे साथ, ये लेट्स डांस। और ऐसे डांस करते करते किरण के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है और किरण को भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो दीदी को उधर ही छोड़ के जाने लगती है। पर दीदी उसका हाथ थामती है और उसको पीछे से वो हक करती है और उसके हाथों को यूँ टच करती है और धीरे धीरे उसके बदन को छूने लगती है और उसके बालों में हाथ फेर कर से यूँ घुमा के उसके साथ डांस करने लगती है। पहले किरण अनकम्फर्टेबल होती पर सडनली वो थोड़ा कम्फर्टेबल हो जाती और अदिति की आंखों में आंखें डाल के उसकी बॉडी को टच करके उसकी एक हाथ कमर में डाल के उसके साथ नाचना स्टार्ट कर देती है। ये दोनों धीरे धीरे झूम रहे थे और डांस कर रहे थे। वहाँ अदिति का फ्रेंड, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो किरण का हाथ पकड़ते हुए कहते, सर मेरे साथ साइड पे आना। वो उसे साइड पे लेकर जाता है। किरण बोलती, क्या बात, बोलते तुम अच्छे से जानती हो ना मैं उसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, तुमने खुद बोला था तुम मेरी हेल्प करोगी और ये क्या कर रही हो, तुम हेल्प कर रही हो, उल्टा हम दोनों के बीच में आ रही हो। किरण बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह से तुम उसे हासिल कर लोगे, नहीं उल्टा वो तुमसे नाराज़ हो जाएगी। वो इस टाइम नशे में है, उसके करीब जाओगी तो उसे लगेगा तुमने उसके नशे में होने का फ़ायदा उठाया, फिर सारी ज़िंदगी तुमसे बात नहीं करेगी। और ऐसे उसे डरा देती है जिससे अदिति का फ्रेंड बोलता है, हाँ तुम तो बहुत ही समझदार निकली, तुमने बिल्कुल सही बोला, नहीं नहीं तुम ही उसे संभालो, मैं बिल्कुल उसके करीब नहीं जाऊँगा। किरण बोलती, गुड। और जैसे वहाँ से चला जाता है किरण बोलती, कितना स्टूपिड है ये अदिति के बिल्कुल भी लायक नहीं है, और ऐसे बोल के अदिति के पास चली जाती है। वहाँ एक और लड़का जो अदिति के साथ डांस कर रहा था, किरण उसे देखती है और कहती, ये तो इनके गैंग का भी नहीं है, फिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। किरण उसके पास जाती है और उसे पुश करते हुए कहती, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो, ये प्राइवेट पार्टी है। तो वो होता है, तो मुझे भी इस प्राइवेट पार्टी में किसी ने इन्वाइट किया, तभी तो आया हूँ। किरण उसका हाथ पकड़ के पीछे घुमाती है कि तुम्हें किसने इन्वाइट किया। तभी वहाँ अदिति का फ्रेंड आ जाता है, कहते अरे क्या करियो क्या करियो, भाई है मेरा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो किरण बोलती है, तो अपने भाई को बोलो बीन लिमिट्स, ओके अदिति चलो हम घर जा रहे हैं। अदिति बहुत नशे में थी और नखरे कर रही थी, नहीं मुझे नहीं जाना। किरण ज़बरदस्ती उसका हाथ थाम के कहती चलो, और उसे पार्टी से बाहर लेके आ जाती है। अदिति बोलती, कम ऑन लेट्स डांस ना। किरण बोलती, हाँ ठीक है ठीक है, घर जा के डांस करेंगे। हाँ, किरण ऐसे ही बोल के एक ऑटो रोकती है और दीदी को ऑटो में बिठाने लगती है। वो धक्का दे रही थी दीदी को अंदर बिठाने के लिए, पर अदिति वो यूँ पीछे हो जाती है, सारा का सारा जोर किरण पे डाल के, ये मैं उड़ रही हूँ। दीदी की हरकत देख के किरण बोलती, अरे मेरी कमर तोड़ रही हो, उड़ नहीं रही हो, हटो अंदर जाओ ना। तो बेचारी बड़ी मुश्किल से मेहनत करके अदिति को ऑटो में बिठाती और खुद बैठ जाती, भैया जल्दी से चलाओ इससे पहले फिर से उतर जाए। अदिति ऑटो से नशे के मारे उतरने की कोशिश करती है, पर किरण वो उसकी टांग ऐसे अपने ऊपर करके और हाथ भी पकड़ के बैठी रहती है ताकि अदिति बैठी रहे। पर अदिति बहुत हंगामा कर रही थी, उसे बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। और फिर किरण अपना सर पकड़ लेते गई थी, ओह मैंने इसे क्यों इतनी दारू पीने दी, मुझे इसे रोकना चाहिए था, मुझे लगा नशे में होगी तो इससे क्वेश्चन करूंगी, पर यहाँ बोल बोल कि इसने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। अदिति नशे में इतना बोल रही थी ना कि बेचारे किरण अपना सर पकड़ लेती है, वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी होती है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है। खैर काफ़ी देर के बाद फाइनली ये लोग जॉल पहुँच जाते हैं। यहाँ किरण कहती, अरे यार किसी ने इसे इस हालत में देख लिया तो इसे टल्ली बुलाएंगे कल से सारे, अब क्या बोलूँ, ये है भी तो टल्ली एकदम, क्या करूँ क्या करूँ। ऊपर से अदिति
वो कभी कहाँ चढ़ जाती, कभी बेंच पर चढ़ जाती, कभी वॉल पर चढ़ जाती। और यदि दुनिया वालों सुनो सुनो मुझे किसी को कुछ बताना है, और ऐसे जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देती किरण बोती, अरे मेरी माँ सब सो रहे हैं, हाँ छोड़ती हूँ, नीचे उतर आया यार, क्यों हंगामा कर रही हो। पर अदिति वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी, वो वॉल पर चढ़ के डांस करने लगती है और बस स्लिप हो जाती है, वो गिरने वाली थी और ज़ोर से चिल्लाती है। तभी किरण उसे अपनी बाहों में थाम लेती है, अदिति आँखें बंद करती है डर के मारे और आँखें खोल देती, हाँ मैं जिंदा हूँ। किरण बोलती, हाँ मेरी माँ जिंदा हो, पर मैं जिंदा नहीं बचूंगी, ये सब हरकतें चलती रहे तो हाँ कैसे संभालो इस लड़की को, चलो हाँ हम ऊपर चलते हैं अपने घर पे। और फिर किरण जैसे तैसे अदिति को ऊपर घर पे लेके आते और अंदर से लॉक कर देते कि अदिति बाहर ना भाग जाए। लेकिन किरण को क्या पता था कि उसने किस मुसीबत मोड़ ले ली, अदिति को क्यों ही दारू पीने दी। अदिति तो फौरन से वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती है, बेड पे भी वॉमिटिंग कर देती है। किरण सर पकड़ लेती है, बाप रे बाप अब मैं क्या करूँ, वॉमिटिंग करी तो करी, उसमें हाथ मारने लगते हैं। यू किरण बोती, यू कितनी गंदी है यार ये लड़की, छी अब क्या करूँ मैं। बेचारी किरण की तौबा कितनी, मेरी तो माँ की भी तौबा, आज के बाद इस लड़की को कभी दारू नहीं पीने दूंगी, हाथ भी नहीं लगाने दूंगी दारू को। और फिर किरण जल्दी से बेडशीट चेंज कर दी और फिर अदिति को देखते जिसने अपने पूरे कपड़े गंदे कर दिए थे वॉमिटिंग कर करके। किरण बोलती, अब क्या करूं, नीचे लेके जाऊं क्या, नहीं 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 नीचे लेके जाऊंगी तो बहुत तमाशा करेगी और मेरे हाथ भी नहीं आएगी, मैं क्या करूं। किरण बेचारे की लिटरली रोने वाली हालत हो जाती है, वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है अदिति से। खैर किरण बोलती है, मुझे यहीं पर चेंज करना होगा और यहीं पर इसको साफ भी करना होगा, इससे पहले अपने बाल गंदे कर ले। किरण जल्दी से अदिति के लिए कुछ कपड़े निकालती है और कहती, अरे यार इसका ड्रेस क्या मुझे चेंज करना होगा, अदिति यार कपड़े तो उतारो ताकि मैं और पहना दूँ। पर अदिति बोलती, कैसे खुलेंगी, मुझसे खुल ही नहीं रहा। किरण बोलती, हाय तो वाह कहाँ फंस गई। और वो बेचारी किरण वो अदिति के कपड़े जो है वो रिमूव करती है और आँखें एकदम से बंद कर लेती है। अदिति किरण को देखते हुए कहती, आँखें खोलो ना, मुझे देखो ना, देखो मैं कितनी ओल्ड हूँ। किरण बोलती, हाँ पागल वागल हो गई हो क्या, क्या बोल रही हो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बहुत हो तो बहुत ज़्यादा हो तो, हाँ बहुत बहुत। अदिति बोलती, आगे कौन हो ना। तो किरण बोलती, मुझे नहीं खोलना है, मत तंग करो मुझे। पर अदिति बहुत तंग करती है तो किरण एकदम आँखें खोल लेती है, पर अदिति को देख के इसकी तो एकदम बेहोश होने वाली आती है। तभी आँखें बंद कर देखती, अरे शिट शिट, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, आई एम सॉरी अदिति मैंने कसम से कुछ नहीं देखा। और फिर किरण जल्दी से अदिति को और कपड़े पहना देती है और एक टॉवल लेके आती है जिससे उसकी बॉडी को अच्छे से साफ कर देती है और कहती, अभी इसमें से स्मेल आ रही है, अब क्या करूँ। और भी परफ्यूम लाती है जो ऐसे दूर खड़े होकर पूरा अदिति के ऊपर स्प्रे कर देती है जिससे स्मेल थोड़ी कम हो जाती है। और किरण का मन करता है कि उल्टी वाले कपड़े उठा के ना वो डस्टबिन में फेंक दी, क्योंकि मुझे इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। और किरण ऐसे ही करती है और डस्टबिन में उठा के कपड़े फेंक देती है अदिति को और डस्टबिन बाहर रख देती है। और यहाँ अदिति चेंज करने के बाद बेड पे आराम से लेट जाती है। किरण बोलती, उफ हाँ हाँ लेट गई ना, प्लीज़ सो जाना, गहरी नींद में चली जाना और कल सुबह से पहले प्लीज़ मत उठना, उफ इस लड़की ने तो मुझे थका ही दिया। किरण ऐसे ही बल्कि सोफे पे भी बैठी थी कि तभी अदिति का रोना चालू हो जाता है। किरण बोलती, अब रो क्यों रही हो, क्या हुआ। किरण अदिति के पास आती है, जैसे पास आती है पूछने के लिए तो अदिति उसे खींच लेती है। किरण एकदम से अदिति के ऊपर आके घेरती है और कहती, ये क्या हरकत है। किरण हटने लगती है पर अदिति उसकी कमर में हाथ डालती है, उसे बहुत प्यार से अपनी नशीली आँखों से देखने हुए कहती है, तुम्हें मैं बच्ची क्यों नहीं लगती हूँ, मुझ में क्या कमी है। और ऐसे ही करने लगती किरण बोलती, हाँ क्या। अदिति बोलती, तुम मुझे पसंद क्यों नहीं करती हो। किरण बोलती, मैं क्यों करूँ, तुम बहुत खड़ूस हो यार, मुझे नहीं तुम्हें पसंद करना, अब छोड़ो मुझे। किरण ऐसे बोल के खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े सेट करने लगती है। तभी अदिति खड़ी हो जाती है और किरण को पकड़ के फिर से एकदम से अपने ऊपर कर लेती है। किरण बोलती, क्या कर रही हो, छोड़ो ना मुझे। पर अदिति नहीं छोड़ती। किरण बोलती, अच्छा ठीक है हमें गेम करते हैं, हाँ गेम खेलने के लिए उठ के बैठना पड़ेगा, चल चल उठते हैं। अदिति बोलती, हम मुझे गेम खेलनी है। और फिर किरण बेचारी उठ जाती है और अदिति भी उठ के बेड पे बैठ जाती है। अब अदिति कहती, अब क्या करूँ, इससे क्वेश्चन कैसे करूँ, क्या डायरेक्टली इसके बॉस के बारे में पूछ लूँ, नहीं 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 ये बहुत है, क्या पता नशे में भी मुझे घुमा दे, फिर वैसे तो सोचने समझने की हालत में नहीं है, पूछ ही लेती हूँ। और फिर किरण जो है वो अदिति को बोलती है कि अच्छा मुझे सच्चा बताओ ना, कितने पैसों की चोरी की, हाँ बैंक में कितने पैसे थे। दीदी बोलती, बैंक में बहुत सारे पैसे थे, पता है इतने मैंने सोचे भी नहीं थे, मेरी सोच से भी ज़्यादा थे। किरण बोलती, 20 crores। दीदी बोलती, बहुत सारे। किरण बोलती, अच्छा 30 होंगे, 40। दीदी बोलती,
किरणमती फिर कितने थे? तो अदिति ऐसे अपनी फिंगर्स करते हो गए थे, इतने थे किरणमती? एटी करोड़? अदिति बोलती किरण के तो वहीं पे आके फटे के फटे रह चुके थे, इतने सारे पैसे खा जाए थे बैंक में। अदिति बोलती मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खेले खेले करनी है, मेरे साथ खेलो ना, ऐसे तंग करने लगते। किरणमती अरे बच्ची थोड़ी हो जो खेले खेले कर, अच्छा हाँ ठीक है खेले खेले करते हैं ना, पर पहले एक और क्वेश्चन है, वो पैसे कहाँ है? अदिति बोलती मैं नहीं बताऊँगी। किरणमती अरे यार नशे में भी इतने समझदार बन रही है लड़की, मैं मतलब पैसे किसके पास है? आपके पास है, आपके उस फ्रेंड के पास। अदिति बोलती वो एक सीक्रेट जगह पे है। किरणमती अच्छा और वो सीक्रेट जगह कहाँ है? अदिति बोलती वो तो मैं नहीं जानती, वो तो मैं नहीं बताऊँगी। किरणमती आपको सब पता है, आप अगर झूठ बोलोगी तो मैं आपसे खेले खेले नहीं करूँगी। अदिति बोलती हाँ मुझे पता है, वो मेरे दोस्त के पास है, मुझे पता है वो जगह कहाँ है, मैं लेके चलूँ? किरणमती नहीं नहीं अभी नहीं, अभी बहुत नशे में हो, अभी मैं रिस्क नहीं ले सकती, बाद में चलेंगे। हाँ अदिति बोलती अब तो खेले खेले करो ना। किरणमती कौन से खेले खेले, क्या क्या खेलना है? अदिति बोलती घोड़ा बनो ना। किरणमती हाँ घोड़ा, मैं घोड़ा बनूंगी, पर क्या पागल पागल हो गई हो क्या? नहीं नहीं मैं घोड़ा कैसे बन सकती हूँ? अदिति बोलती ओ मैं तो भूल गई, अब तो लड़की हूँ ना, अब घोड़ा कैसे बनोगी? किरणमती हाँ शुक्र है कुछ तो दिमाग चला इस लड़की का। तभी अदिति बोलती अब तो घोड़े बनोगी ना, जल्दी से घोड़े बनो ना, मुझे मुझे शहरी शहरी कराओ ना। किरणमती हाँ पागल हो गई मैं नहीं 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 देखो 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 बहुत नशे में हो, हाँ अभी सो जाओ सुबह खेलेंगे। अदिति रोने लगती है चीटेंगी है ये चीटेंगी है, मुझे अभी खेलनी है, मुझे अभी खेलनी है। अदिति तो हंगामा कर देती है ना कि बेचारे किरण अपना सर ही पकड़ लेती है, कहती हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, घोड़ा घोड़ा वैसे बनता है यार, हाँ बन रहे हो ना, क्या हो क्या? और ये किरण क्यों बेचारी घोड़ा बन जाती और अदिति एकदम से उसके ऊपर बैठ जाती, किरण तो नीचे धड़म गिरती हुई थी, हाँ मम्मी मेरी पीठ तोड़ दी इस लड़की ने। तभी अदिति बोलती चल मेरे घोले चिक चिक चलो ना, घोले चलो ना। किरण बोलती घोड़े को बुखार है, घोड़ा नहीं चल सकता, प्लीज हट जाओ घोड़ा मर जाएगा। तभी अदिति एकदम से किरण के ऊपर से हटती हुई थी, मैं इंजेक्शन लगाऊँ घोड़ा एकदम ठीक हो जाएगा, और फिर इधर उधर ढूंढती है और इंजेक्शन पड़ा था जो उसे डॉक्टर ने दिया था। अदिति वो इंजेक्शन लेके आती है, किरण इंजेक्शन देखे एकदम से खड़े जाएगी, नहीं नहीं घोड़ा बिल्कुल ठीक है, घोड़े को तो कुछ नहीं हुआ। अदिति बोलती फिर मुझे सारी सारी कराओ ना। बेचारी किरण मजबूरन फिर से घोड़ा बन जाती है और अदिति उसके ऊपर बैठ जाती है और इतना हंगामा करती है, चल मेरे घोड़े टिक 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 ऐसे कर रही थी। और बेचारी अदिति तो नशे में बच्चों जैसी हरकतें कर ही रही थी, लेकिन उसकी हरकतें किरण को बहुत भारी पड़ रही थी, उस बेचारे की पेट दुख जाती और अदिति बहुत चक्कर लगवाती है उसे। थोड़ी देर बाद किरण बहुत मुश्किल से अदिति को अपने ऊपर से हटाती और बेड पे लेट जाती है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी, वैसे लेटती और आँखें बंद करती है। तभी अदिति एकदम से किरण के ऊपर आ जाती है, किरण तो बार डर ही जाती है और कहती कि क्या करी हटो मेरे ऊपर से। अदिति एकदम से किरण के ऊपर आती है और उसकी आंखों पे जो बिखरे हुए बाहर आ रहे थे उसे साइड पे करती है और उसके जैसे ही गरीब होने लगती है तो अदिति के मुंह पे सारे के सारे बाल आ जाते हैं। और फिर अदिति एकदम से ऊपर होती है और अपने सारे बाल अपने हाथों से साइड पर करती है और उसकी नाक एकदम से खाली हो जाती है और साफ देखती है। किरण अदिति को देखती है कहती शी सो हॉट, कहती अच्छा मैंने क्या बोला, नहीं 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 अदिति हटो मेरे ऊपर से, हाँ पर अदिति हटती नहीं है। वो एकदम से किरण के क्लोज आ जाती है, किरण थोड़ा घबरा जाती है, उसके हार्ट बीट एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। कहती अदिति क्या करे हो, प्लीज़ हटो ना। अदिति बोलती मुझे नहीं हटना, मुझे आपको एक सीक्रेट बताना है। किरणमती सीक्रेट कौन सा सीक्रेट? तो अदिति एकदम से किरण के फेस को टच करती हो, कहती मुझे ना आप बहुत बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा। किरणमती हाँ क्या 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 मैं अच्छी लगती हूँ आपको? अदिति बोलती हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और ना पता है मुझे ना कुछ बताना था आपको। किरणमती हाँ बताओ क्या बात करनी थी? तो अदिति ना थोड़ा करीब आने लगती है, किरण घबराते हुए कहती तू रह के बात करो ना। अदिति एकदम किरण के नेक के करीब आ जाए और वहाँ अपनी गहरी सांस छोड़ती हूँ। किरण की तो हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है, वो बेडशीट कैसे कस के पकड़ लेती है और गहरी सांसें लेने लगती है। अदिति किरण के कान के करीब अपने लिप्स लेके जाती है और कहती है वो ना मुझे बताना था कि आप बहुत
बहुत ज़्यादा हॉट हो। और ऐसे बोलते ही अदिति उधर ही टन हो जाती है कि ना बोलती अदिति आपने आपने मुझे हॉट हॉट बोला अदिति। तभी किरण देखती है कि अदिति टन हो गई है। किरण मुस्कुराते हुए अदिति को बेड पर सीधा लिटाते उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती और उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती ओ तो किसी को लगता है कि मैं हॉट हूँ। और किरण बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती थी ओह माय गॉड मैं इतना ब्लश क्यों कर रही हूँ नहीं अदिति और मैं नेवर। और फिर मुस्कुराने लगती है कहीं ना कहीं। अब किरण भी अदिति के बारे में सोचने लगती है उसे बहुत प्यार से देखने लगती है और देखते ही देखते टून हो जाती है। अगले दिन जब किरण उठती है तो वो देखती है कि अदिति अपना सर पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है हाँ मेरा सर बहुत दुख रहा है मम्मा आज लगे किसने हथौड़े मार दिए मेरे सर में बहुत दुख रहा है यार मैं क्या करूँ। तभी किरण बोलती दुखे गई ना इतनी दारू जो पियोगी। अदिति बोलती तू मुझे रोका क्यों नहीं था यार मेरा सर। अदिति ऐसे चिल्लाने लगती है। किरण एकदम से अदिति को देखती है फिर कल रात के बारे में से चीज़ें याद आने लगती है वह मुस्कराने लगती है। अदिति बोलती हाँ मेरा सर दर्द के मारे फटे जा रहे हैं और आपको हंसी आ रही है किस बात पर हंस रही हो बताओ मुझे। किरण अदिति के करीब आते हुए कहती है कि सच में बता दूँ। अदिति बोलती ये पास क्यों आ रही हो दूर से भी तो बता सकती हो ना। किरण बोलती वो कल रात आप मेरे पास आई थी तो सोचा मैं आ जाऊँ। अदिति बोलती व्हाट क्या 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 बोल रही हो दारू मैंने पी और नशे में आप लग रही हो। किरण बोलती पता भाई कल आपने मेरे साथ क्या किया। अदिति बोलती क्या किया मैंने। किरण बोलती आपने मुझे घोड़ी बना दिया सच में। अदिति बोलती हाँ क्या क्या घोड़ी और आपको। किरण बोलती हाँ पता है मेरे ऊपर बैठ गई थी और क्या बोलती चल मेरी घोड़ी टिक 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 हाँ मेरी पीठ दुख रही है सिर्फ सिर्फ आपकी वजह से। अदिति बोलती सॉरी मुझे हाँ शीट आई एम सो सॉरी। किरण बोलती आपकी सॉरी से क्या मेरे पीठ में जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा चलो मेरी पीठ दबाओ। अदिति बोलती जो मेरे सर में दर्द हो रहा है उसका क्या। किरण बोलती आप इसी लायक हो अब दबाओ मेरी पीठ चुपचाप से। किरण यूँ उल्टा होकर लेट जाती है। अदिति बोलती क्या क्या सच में। किरण बोलती तो क्या ऐसे आपको लग रहा है कि मैं मजाक के मूड में हूँ बिल्कुल ही मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो अदिति किरण के पास जाके बैठ जाती है और ऐसे उसके पीठ पे हाथ रखते हुए कहती क्या सच में दबाना पड़ेगा। किरण बोलती तो क्या स्टैम्प पेपर पर साइन करके दूँ कि दबाना पड़ेगा आपको। और फिर अदिति ऐसे किरण के कमरे पे हाथ रखते हैं और जैसे हाथ रखते हैं किरण की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी सी हो जाती है। अदिति का वो टच उफ किरण को भी एक अजीब सी फीलिंग दिला देता है। और अदिति धीरे धीरे किरण की पीठ को दबाने लगती है अपने प्यारे प्यारे मुलायम मुलायम हाथों से। किरण को बहुत अच्छा लगता है वो आंखें बंद करती है और फील करने लगती है। तभी एकदम से उसे रात को अदिति की बात याद आती है कि आप बहुत ज़्यादा होट हो। किरण बोलती नहीं 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 दूर हटो मुझसे और ऐसे चिल्लाते हुए उठ जाती है। अदिति बोलती क्या हो गया मैं तो दबा रही थी खुद ही तो बोला। किरण बोलती मेरा मतलब नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं आई एम फाइन। अदिति होती हद है ओके मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है मुझे कुछ दे दो यार जिससे दर्द कम हो जाए। किरण बोलती जहर ला के दूँ आपको। अदिति होती गुड आइडिया दे ही दो अब तो चाहते यही हो कि मैं मर जाऊँ। किरण बोलती हद है यार अगर यही चाहती होती ना तब की जान ना बचाती इतनी दवा रुको लाती हूँ कुछ। किरण किचन में जाती है चाय कॉफ़ी कुछ बनाने के लिए पर सामान खत्म हो गया था ना चाय की पत्ती थी ना ही कॉफ़ी अब वो क्या ही बनाए यही सोच रही थी। तभी उसे अपनी माँ की एक रेसिपी आ और उस रेसिपी से किरण जल्दी से अदिति के लिए कहवा तैयार करती है और वो कहवा पीते ही अदिति बोलती आह मज़ा आ गया तुरंत से गायब हो गया। किरण बोलती मुझे पता था ये काम करेगा। अदिति बोलती पर इसमें क्या डाला है। किरण मुस्कुराते हुए कहती प्यार तो वो कहती हाँ। किरण बोलती हाँ मेरा मतलब मेरी माँ बहुत प्यार से बनाती थी तो बस वही बना दिया मैंने भी। अदिति बोलती ठीक है। अदिति कहवा ख़त्म करती होगी कहती आज मुझे बहुत सारा काम है मुझे बाहर जाना होगा। किरण बोलती क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ प्लीज़ घर रह रहे कि मैं बहुत थक गई हूँ। अदिति किरण को देखती है और किरण एकदम से मासूम सा चेहरा बना देती है। अदिति मुस्कुराते हुए कहती इतना मासूम चेहरा बनाओगी तो मुझे तुम्हें साथ लेके जाना ही पड़ेगा। किरण बोलती हाँ कुछ बोला। अदिति बोलती नहीं मैं मतलब बाइक की चाबी देखी गई। अदिति के पास सुन के किरण बोलती हाँ भी लाती हूँ। किरण तुरंत बाइक की चाबी लाती है और फिर दोनों बाइक पर बैठ जाते हैं। अदिति जो है वो अपने अड्डे पर किरण को लेके जाती है जहाँ किरण जाने के लिए कब से तड़प रही थी। ऐसे किरण यहाँ पे आती है कहती ये आप लोग का अड्डा है क्या। अदिति बोलती हाँ। किरण को तो विश्वास ही नहीं आता कि वो अड्डे तक पहुँच के वो एकदम खुशी हो के मारे वो चलने लगती है और एकदम से अदिति को हक करती है थैंक यू 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 सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। अदिति बोलती है तो ऐसे खुश हो रही है जैसे पता नहीं क्या तीर मार लिया उसने। खैर चलो अब अंदर। और फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं। अदिति का फ्रेंड अदिति को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराता है शर्माने लगता है। अदिति किरण को देखे कहती ऐसे शर्मा क्यों रहा है क्या हुआ।
किरणवती आपका नहीं पता आप दोनों के बीच कल रात क्या हुआ। दीदी बती क्या 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 हाँ उसके और मेरे बीच कुछ 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 हुआ था क्या? किरणवती कुछ क्या बहुत कुछ हुआ था। दीदी बती क्या मतलब मैं आपके साथ नहीं थी? किरणवती नहीं आप तो सारे रात इसी के साथ थी, यही आपको सुबह घर छोड़ के गया है। दीदी अपना सर पकड़ लेती नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। दीदी ऐसे अपने बदन को जोड़ने लगती थी और मेरे कपड़े इसने किरणवती हाँ इसे नहीं बदले थे। दीदी बती क्या ची 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 ये नहीं हो सकता। और किरण के जोरों से हंसती है। दीदी बती ये मजाक था ना? किरणवती ऑफकोर्स मजाक था। दीदी बती थैंक गॉड मैं तो बहुत डर गई थी। एक सेकेंड फिर मेरे कपड़े किसने बदले थे? किरणवती देखो मैं बहुत मासूम हूँ, मैंने आँखें बंद करके कपड़े बदले। दीदी बती मैं किसे विश्वास करूँ इस बात का? हाँ किरणवती हाँ नहीं करना तो मत करो। और ऐसे किरण आगे चलने लगती है। दीदी मुस्कुराते हुए कहती है कि स्टूपिड तुम आँखें खोल के भी बदल देते, मुझे कोई इशू नहीं था। और फिर अदिति अपने सर पर हल्का सा थप्पड़ मारती हुई थी, मैं कितनी नोटी हो गई हूँ यार। और फिर अदिति किरण को बहुत प्यार से देखती है, उसके पीछे पीछे चलने लगती है। किरण जो है वो अदिति के पूरे गैंग मेंबर के साथ हेलो हाई करती है और गपशप करने लगती है। अदिति किरण को देखती है जो उसके गैंग मेंबर के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रही थी, और उसका गैंग मेंबर भी उससे बहुत फ्रैंक हो रहा था, हंस हंस के बातें कर रहा था और बातें करते टाइम उसे छू भी रहा था। ये देख के अदिति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सामने से दीदी का फ्रेंड आता जो दीदी से बात करने लगता है और कल रात के बारे में पूछता है कि कल रात तुम ढंग से सो तो पाई? दीदी बती मुझे कुछ याद नहीं क्योंकि मैं बहुत नशे में थी। हटो सामने से, उसे साइड पर करते हुए वो किरण के पास जाके खड़ी होती है, उसके शोल्डर पे वो हाथ रख के। किरण वो दीदी को देखती है पर इग्नोर कर देती है और उससे बात करने लगती है। दीदी को बहुत बुरा लगता है कि इसने मुझे फुली इग्नोर कर दिया। दीदी थोड़े साइड पर जाती है जहाँ उसी का दोस्त है वो स्मोक कर रहा था। दीदी उसे बोलती लाओ मुझे दो और स्मोक करने लगती है। अदिति का फ्रेंड बोलता है पर तुम तो हमेशा मुझे स्मोक करने से रोकती थी और अब खुद पी रही हो। अदिति बोलती मैंने कल रात ड्रिंक की, उससे बुरी तो ये नहीं है ना, आप चुप हो जाओ मेरे पीने दो। तभी किरण अदिति को देखते हैं जो स्मोक कर रही थी और करते हुए बहुत ज़्यादा खांस पी रही थी। उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हें पता है ना तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हें बहुत खांसी होती तो क्यों पी रही हो, छोड़ो ना यार। पर किरण अदिति को देखती है और कहती है क्यों पी रही हो जब इससे बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी किरण अदिति के पास आती है और उसे बोलती है क्या कर रही हो फेंक दो उसे। तभी अदिति का फ्रेंड बोलता है अब तुम ही इसे समझाओ मैं जा रहा हूँ, और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अदिति बोलती मैं पी रही हूँ ना तुम्हें क्या इशू है? किरण बोलती देखो आपसे नहीं पी जा रही, आपको बहुत खांसी हो रही हो तो फेंक दो। अदिति बोलती तुम अपने काम से काम रखो। किरण बोलती अच्छा तो ये बात है? अदिति बोलती हाँ यही बात है। और अदिति गुस्से से किरण को देखती है। किरण को पता तो नहीं होता क्या प्रॉब्लम है पर वो समझ जाती है कि अदिति को किसी बात का तो बुरा लग गया। किरण उसके मुँह से सिगरेट लेती और नीचे फेंक देती और कहती है कि हानिकारक है सेहत के लिए समझी, और ऐसे ही बोल के वहाँ से चली जाती है। अदिति कहती है हाँ जैसे दारू तो हानिकारक नहीं है ना, उससे तो मुझे नहीं रोका था। तो किरण अदिति को घूरती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अदिति को बहुत ही ज़्यादा जेलसी फील हो रही थी और जेलसी के मारे कहीं वो कुछ कर ना दे। आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर आज चांस पर एक प्यार से छोटी सी नैनमन से रिक्वेस्ट यार कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, आप लोग की बहुत बुरी आदत है, आप वीडियो देख तो लेते हो पर लाइक करना भूल ही जाते हो, तो प्लीज़ यार ऐसे मत किया करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है और वीडियो को लाइक करने में सिर्फ एक ही सेकंड जाता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके देन टाटा बाय बाय।